नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। विकास यात्रा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विकास यात्रा की जा रही है, इस पर चर्चा होगी। 5 फरवरी से विकास यात्रा अधिकतम 25 फरवरी तक होगी। विकास यात्रा में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने का निर्देश है। सभी मंत्रियों को प्रभावी ढंग से जनता के बीच जाने को कहा है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, विकास यात्रा को लेकर बैठक हो रही है। ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना है, ये निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ ये बैठक लगातार जारी है। और एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है कि बैठक ये खत्म हो गई है। थोड़ी देर पहले ये बैठक जो है वो खत्म हुई है। सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही थी विकास यात्रा को लेकर। विकास यात्रा 5 फरवरी से अधिकतम 25 फरवरी तक होगी और ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने के निर्देश विकास यात्रा में दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल जी, बैठक खत्म हो गई है, इसमें क्या फैसले लिए गए हैं? विकास यात्रा के तहत कैसे एरिया कवर किया जाएगा? तो 5 फरवरी से अधिकतम 25 फरवरी तक विकास यात्रा निकाली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने के निर्देश दिए हैं सीएम ने। और हमारे साथ डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अतुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल जी। क्या अपडेट बैठक को लेकर? देखिए, बैठक खत्म हो गई है और पूरी बैठक विकास यात्रा पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ और जिला कलेक्टर्स कमिश्नर्स के साथ वर्चुअली जुड़कर और इस पूरी चर्चा में एक ही निर्देश दिया कि ये जो विकास यात्रा है एक समग्र यात्रा साबित होनी चाहिए। इसमें मंत्रीगण विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और जब वो दौरा करें तो पूरा प्रशासन उनके साथ रहे, पूरी तैयारी के साथ मैदान में ये यात्रा उतरे और इस यात्रा के दौरान जनता से संवाद स्थापित किया जाए, कोई फीडबैक मिले, किसी तरह की कोई शिकायत मिले तो वो शिकायत तुरंत उसका निराकरण होना चाहिए। तो ये एक बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है जो हर जिले में आयोजित होगा। सभी मंत्री इस यात्रा में शामिल होंगे, जनता से संवाद करेंगे। तो ये इस तरह का ट्रेलर होगा। सरकार चुनाव से पहले इस यात्रा के जरिए न सिर्फ अपनी बातें जनता तक पहुंचाना चाहती है बल्कि जनता की नब्ज भी टटोलना चाहती है। आखिर जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है, कहीं कोई नाराजगी है कि नहीं? क्योंकि विकास यात्राएं जब निकलेंगे, मंत्री मैदान में होंगे तो कहीं आक्रोश भी दिखाई देगा, कहीं शिकायतें भी दिखाई देगी, कहीं लोगों की नाराजगी भी दिखाई देगी। तो इन सबको नोटिस किया जाएगा कि आखिर पूरा माहौल किस तरह से रंग ले रहा है, क्योंकि चुनावी साल है। तो ये यात्रा दोहरी यात्रा है, इसमें सरकार को जनता तक पहुंचना है और जनता कैसे इस यात्रा के माध्यम से सरकार से जुड़ सके, इस पूरे दृष्टिकोण को लेकर इस यात्रा के का रोड मैप तैयार किया है। अतुल जी, हर जिले में ये यात्रा निकाली जाएगी? निश्चित ही सभी जगह सभी जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। जो प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंचेंगे, जनता से संवाद करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। 5 फरवरी से संत रविदास जयंती से ये शुरू होगी, 25 फरवरी तक लगभग सभी जिलों में यात्राएं कंप्लीट कर ली जाएंगी। बिल्कुल अतुल जी, लेकिन विकास यात्रा के माध्यम से फोकस क्या रहेगा, किस तरह से जो जो योजनाएं हैं क्या उनके धरातल पर क्या स्थिति है, ये जानना है, क्या लोगों के मन को टटोलना है? निश्चित ही देखिए, लोगों का मन क्या कहता है ये जानने के लिए सरकार को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो एक तरह से ये सरकार आपके द्वार है, विकास की तस्वीर लेकर अभी तक जो किया गया है उसकी विभिन्न पहलुओं को लेकर सरकार के मंत्री प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैदान में उतरेंगे, जनता से संवाद करेंगे, उन्हें अपनी योजनाएं बताएंगे, स्कीम्स बताएंगे, सरकार के जन कल्याण कार्यक्रम
कल्याणकारी कार्यक्रमों से रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही जब वो जनता के बीच में होंगे तो जनता के बीच से भी समस्याएं आएंगी, जनता के बीच से भी डिमांड्स आएंगी, तो इन डिमांड्स को कलेक्ट किया जाएगा और इसके आधार पर आने वाले समय में रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। यदि कुछ काम अधूरे रह गए हैं, कहीं जनता की ज्यादा नाराजगी है, कहीं जनता की अपेक्षाएं कम पूरी नहीं हो पाई है, तो उन सबको इन 6 महीनों में चुनाव से पहले कैसे पूरा किया जाए, इस बारे में सरकार फिर मंथन करेगी जब ये यात्राएं कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल जी तमाम जानकारी के लिए।